बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी चस्का चैनल देखने वाले खुश आमदीद। आज मैं तुहाडे वास्ते लैके आई हाँ देसी घ्यो दा देसी हलवा, क्योंकि यह बड़ा मज़ेदार बनता है। इहदे वास्ते आपां किस किस चीज़ की जरूरत है, आपां चलने हैं रेसपी की तरफ। हाँ जी, ऐ आ नारियल, बदाम, मेवा, सब्ज़ इलायची, सूजी, एक पाइया सूजी और एक पाइया चीनी, क्योंकि इन्दे वास्ते बराबर चीज़ ही चाहिए, पाइया सूजी होए तो पाइया चीनी ही चाहिए है। हुण आपां चलने आ चुल्हे की तरफ, चुल्हा ऑन करने आ। उस तो बाद तेज़ी रख के आपां चासनी पकाने आ, क्योंकि पानी उबाल किया भी कहते हैं उन्होंने कि बॉयल कर लो पानी, चासनी भी कही जाती है। ये अद्धा किलो पानी ले लिया, एक पाइया सूजी और अद्धा किलो पानी, उन्दे विच एक पाइया चीनी डाल दी है। थोड़ी देर वास्ते उबलन वास्ते रखने हैं, ताकि दो चार मिनट के विच पानी उबल जाएगा। पानी गर्म होने तो बाद आप इन्दे विच सब्ज़ इलायची डालेंगे। इन्हों आप पाँच दो मिनट चार मिनट बंद करके रख देने। चलो जी, पानी अपना उबल गया है, चासनी अपनी बेहतरीन तैयार होगी। सब्ज़ इलायची इस वास्ते डाली है कि इन्दे विचों खुशबू बड़ी अच्छी आती है, देखो ना इन्नी प्यारी खुशबू आ रही है। हाँ जी, इन्हों आप उतार के साइड पर रख देने। इस तो बाद आप रखने तेजकी उन्दे वास्ते सूजी भुनन वास्ते। हाँ जी, हुण इहदे विच आपां ऑयल डालांगे, देसी घ्यो नूं पिघलिया होया, आप जिस तरह देसी घ्यो पिघला के ऑयल बनाया होया रख दिता है। हाँ जी, यह देसी घ्यो डालिया, इहदी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। हाँ जी, इहदे विच आपां डालने सूजी, घ्यो गर्म हो जाए उस तो बाद सूजी डालो तो जल्दी भुन जाती है, ब्राउन जल्दी हो जाती है। सूजी डाल दीती है और जिनी देर तक आप इनू भुनते रहना है, इनू आप हिलाना है, ताकि इनू आप हिलाते रहेंगे तो यह ठीक रहेगी। दो तो चार मिनट तक इनू आप भुन लाँगे पाइया सूजी, दो चार मिनट भुनी जाती बड़े आराम नाल ईजी, तो दस मिनट के बड़ा ईजी तैयार हो जाता है हलवा। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਮਿੰਟ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਿੰਟ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। नीचे उतार लेना ताकि एक घ्यो दियाँ छिट्टा उसके उपर ना डलन। थोड़ी देर एक तो दो मिनट नीचे रख के फिर उन्हें चासनी डालनी है। देखो ना पाप किन्नी ज़्यादा उड़ी है। उन्होंने इस तो बाद दो मिनट आप हिला के इन दमते दे देंगे। उस तो बाद दो तो तीन मिनट बाद अपना जरा तैयार हो जाएगा। जरा दो मिनट गर्म हो लिया पानी, उस तो बाद आप बंद कर देंगे। देखो सब इलायची ना उतनी ज़्यादा फुल गई है, उनका टेस्ट जरा निकलिया, और नारियल वगैरह डाला है, मेवा है। डालांगे आपां नारियल, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये दो तीन मिनट ही बस, ज़्यादा नरम जड़ी है ना, थोड़ी अग की मकदार थोड़ी नरम रखोगे, ज़्यादा तेज़ होएगी तो फिर जल जाएगा, क्योंकि जड़ी थोड़ी थोड़ी चीज़ा ने तिल ने, तिल जड़े ने ना वो बड़ा अच्छा टेस्ट देंदे ने हलवे दे विच। इस तरह लगता है कि जिस तरह हर एक चम्मच दे विच ही ना कोई अच्छी चीज़ मुँह दे विच आई जो दबाई जाती है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, दमते रख दिता उन्हें, दो तो तीन मिनट दमते रखांगे, उस तो बाद बनन उतार लांगे। देखो जबरदस्त तैयार हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। चूल्हे नु बंद कर देने, चूल्हा बंद हो गया। देखो कितना जबरदस्त है, एक पाइया घ्यो तो एक पाइया सूजी, ये तीन चीज़ा तुसी बराबर डालोगे ना तो बड़ा अच्छा बनेगा, क्योंकि इन्दे वास्ते अगर आप कोई चीज़ अगे कम ज़्यादा डालांगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। चैनल अगर तुहानू ये चीज़ अच्छी लगे चैनल नू सबसक्राइब करो और वीडियो नू लाइक करो, नीचे घंटी दे निशान नू जरूर दबाओ, क्योंकि उन्हें प्रेस करन नाल तुहाडे कोल मेरी नई आने वाली वीडियो आएगी। इंशाल्लाह तुहानू ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, मेरी वीडियो नू जरूर लाइक करना, और इंशाल्लाह तुहाडे बच्चों नू तुहाडे सारे रिलेटिव्स नू बहुत अच्छा लगेगा। और रेसिपी है दो तो चार मिनट तैयार हो जाती, बड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बादाम भी डल गया ने, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अल्लाह हाफिज़।